साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में सत्संग में भगदड़ के दौरान लोगों की जान गई और काफी लोग घायल हैं। करीब 120 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। साथ ही इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको डिटेल में समझाएंगे और वहीं साथियों आपको बताएंगे चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को लेकर आखिर सरकार से और वहाँ के लोगों को क्या कुछ आश्वासन और क्या कुछ कहा इस मामले पर, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों सबसे पहले चंद्रशेखर ने इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो आपको दिखाते हैं, मगर साथ ही उससे पहले आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद कल संसद में थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। करीब 2:30 का ये हादसा बताया जा रहा है और उस समय चंद्रशेखर आजाद संसद में भाषण दे रहे थे, उनका पहला भाषण था। और आपको बताते हैं चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर क्या कहा है। हाथरस में सत्संग में हुए हादसे से मन दुखी है, मृतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं, सरकार को इस हादसे की गहनता से जांच करानी चाहिए और मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा देना चाहिए। इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को नम आंखों से विदाई। तो चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को लेकर सरकार से उनके परिवार को मुआवजा देने की बात कही है और उनके परिवार संवेदना भी जताई है। साथियों चंद्रशेखर आजाद का बयान हमने आपको भी बताया है और अब बहन कुमारी मायावती का बयान आपको दिखाते हैं। यूपी के जिला हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में काफ़ी संख्या में लोगों की हुई मौत व अनेकों के घायल होने की तथा आगरा में भी बौद्ध भीम कथा के दौरान एक युवक की हुई हत्या अति दुखद। सरकार इस घटना की जांच कर उचित कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करे। साथियों बहन जी ने हाथरस और साथ ही आगरा में जिस तरीके से वहां पर एक युवक की जान गई उसको लेकर भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और हाथरस में भगदड़ के दौरान जो लोगों की जान गई उस पर बहन जी ने कहा है उनकी आर्थिक मदद भी करे और इस पर बारीकी से जाँच करना बहुत ज़रूरी है, साथ ही और कार्रवाई भी करें। बहन जी का जो बयान था हमने आपके बीच रखा, चंद्रशेखर जी का भी बयान आपके बीच में रखा। तो आपका इन दोनों बहुजन नेताओं के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट में जोड़ दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।